अनुपमा की समर रह चुकी पारस कलनावत ने कहा है कि उनकी मेकर्स से बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ मेकर्स ने रिस्पॉन्स किया है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। पारस कलनावत को अनुपमा शो से निकाल दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, बिकॉज उन्होंने अचानक से झलक दिखलाजा के लिए हाँ कर दिया था, जो कि कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होता है। इस कारण मेकर्स अपसेट हो गए और उन्होंने टर्मिनेशन लेटर पारस को दे दिया था। वेल, आपको बताएं कि रिसेंटली एक इंटरव्यू पारस ने दिया है सिद्धार्थ खनन को, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही हैं अपने टर्मिनेशन को लेकर। पारस कहते हैं कि मैंने उनसे बात रखी थी कि मैं ये शो करने जा रहा हूँ और मैं सिर्फ अनुपमा में 15 दिन की ही शूटिंग करता था, तो मुझे लगा शायद ये मैनेज हो जाएगा, बट ये मेकर्स को सही नहीं लगा कि एक ही फेस दो अलग अलग चैनल्स पे दिखेगा। देन दे डिसाइडेड कि वो मुझे टर्मिनेट कर देंगे। इवन पारस बताते हैं कि उन्होंने मेकर को मैसेज भी डाला था, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। वेल, पारस से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कभी आगे जाकर वो बातचीत करेंगे, क्या ज्वाइन अप होंगे, कैसा कुछ होगी ट्यूनिंग उनकी आगे, तो उन्होंने कहा है मुझे अगर मौका मिलेगा बात करने का, कभी हम आमने सामने आएंगे, तो मैं मेकर्स से अपनी बात ज़रूर रखूँगा। वेल, पारस की इस बात से ये तो साबित हो गया है कि पारस अभी भी शो में कहीं ना कहीं रहने की उम्मीद अपने मन में लेकर बैठे हैं, और क्यों ना लेकर बैठे हों। समर का किरदार इतना अच्छा है, इतनी चॉकलेट बॉय उनकी इमेज है, इतने गुड लविंग बॉय हैं वो, अपने मम्मास बॉय कहलाते हैं, और फैंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे समर की एक्टिंग को देखकर। वेल, अब पारस जल्द ही झलक दिखलाजा सीजन 10 का हिस्सा बनने वाले हैं और अपनी दमदार परफॉर्मेंस से व्यूवर्स को एंटरटेन करेंगे।